नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, 12-13 जनवरी की रात है खास। ये उपाय करवाएंगे घर आंगन में धन वर्षा। 13 जनवरी शुक्रवार को साल 2017 का पहला पुष्य नक्षत्र है। शुक्रवार को पढ़ने के कारण इसका महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये महालक्ष्मी के प्रिय दिन पर आ रहा है। इस शुभ योग को शुक्र पुष्प कहा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र में जो उपाय किए जाते हैं वह अन्य दिनों से जल्दी और अधिक फलदायक होते हैं। शुक्र पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ आज रात यानी 12 जनवरी को 2:32 से होगा, जो 13 जनवरी की रात 1:47 पर समाप्त होगा। इस दौरान किए गए उपाय करवाएंगे घर आंगन में धन वर्षा। 2017 का पहला पुष्य योग बनाएगा छप्पड़ फाड़ संपत्ति का स्वामी। चांदी का सिक्का जिस पर देवी लक्ष्मी बैठी मुद्रा में अंकित हो उसका पूजन करें, फिर उसे अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी मंदिर में कमल के फूल व सफ़ेद रंग का मिष्ठान अर्पित करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध मिलाकर लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए पुष्य नक्षत्र की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का ज्योत लगाएं। श्री यंत्र लेकर आएं, पूजन के बाद उसे घर में स्थापित करें। घर में पहले से श्री यंत्र है तो शाम को उसका पूजन करें। शुभ मुहूर्त में चांदी से बने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर लेकर आएं और उन्हें तिजोरी में स्थापित करें। शाम को पीपल के पेड़ पर पंचमुखी ज्योत लगाएं और 3 परिक्रमा करें। देवी लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ाएं। कज से परेशान लोग लक्ष्मी मंदिर से जल लाकर पीपल पर चढ़ाएं। विष्णु सहस्र नाम के पाठ का बहुत महत्व है। यदि नहीं कर सकते तो श्री विष्णु के हजारों नामों का फल देने वाले मंत्र का जाप करें। नमो स्तवन अनंताय सहस्र मूर्ते सहस्रपताक्षी शिरोरु बाहवे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। इस श्लोक का प्रभाव इतना ही है जितना विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।